वो जहाँ कुरा लगाना वहाँ क्या रोटी, पर हमारा आज का स्टे यहाँ है। बस एक यहाँ पे हल्का सा रखियो अभिषेक और पार हो जाएगा तू। सो गाइस ये देखो हमें ब्रह्म कमल मिल चुका है। चलो गाइस दिस इज अक्षय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीकेंड्स ऑन वीकेंड्स। सो गाइस जो मेरा पहला आज का व्लॉग है वो है क्यारकोटी लेक जो कि हर्सिल से 18 टू 20 किलोमीटर्स है। एंड इस ट्रिप के लिए गाइस मैं बहुत पहले से एक्साइटेड था। बाइक ट्रिप होने वाली है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड अभी का जो सीन है वो है अभिषेक का वेट कर रहा हूँ जो कि ऑन द वे टू देहरादून है फ्रॉम ऋषिकेश। एंड सारा सामान गाइस ऑलरेडी पैक्ड है तो सिर्फ अभी काम ये है कि जैसे ही वो आता है तो हम सारा सामान उसके बाइक पर लोड करते हैं, फिर अपनी जर्नी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंड बीच बीच में आपको दिखाऊंगा अपनी वादियाँ, देहरादून से हर्षिल का सफ़र। तब तक मिलते हैं, गुड बाय गाइस। अभिषेक तावी आ चुके हैं अपनी बाइक लेके। भाई अपना चेहरा तो दिखा दो। और यहाँ पे सामान सेट हो रहा है, मतलब मैं तो बिल्कुल ही अकेले जाने वाला हूँ। सारा सामान इसी अभिषेक की गाड़ी पे लगा दिया है। गाइस फाइनली हम घर से निकल गए हैं और अभिषेक को थोड़ा काम था तो वो आगे हमको ज्वाइन करेगा मसूरी डाइवर्जन पे, और फिर मसूरी डाइवर्जन से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं गाइस आपको थोड़ी सी देर में। तो आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और पर एक तो ऐसा ही लग रहा है कि मसूरी में बारिश हो रही है, तो जैसा भी होता है खाते हैं गाइस। तो गाइस हम पहुंच गए अभी सुबह खोली से 2 किलोमीटर पहले हैं और मौसम देखिए आप, मतलब कल धूप थी तो आज भगवान ने बारिश करवा दी, देख सकते हैं आप। और अभिषेक भाई की तो बाइक भी वहाँ पे गिर गई, क्या कहते हैं आप इस बारे में? बाइक को चोट लग गई है ये कुछ ज़्यादा बोलते नहीं है, एक कैमरे पे नहीं आती, एक बोलता नहीं है, बस मैं ही बोलता हूँ ज्यादा। तो एक बार मैं आप सभी को पूरा रास्ता बता देता हूँ। हमारी जो जर्नी स्टार्ट होगी देहरादून से मसूरी, मसूरी से सुबाकोली, सुबाकोली से चिन्यालीसौड़ से उत्तरकाशी और उत्तरकाशी से हर्सिल। हर्सिल हमारा लास्ट पॉइंट होगा, उसके अगले दिन हम क्यारकोटी के लिए वहां से ट्रैक स्टार्ट करेंगे। इतना ड्राम ना भूले और लैंडस्लाइड प्रोन एरिया गाइस ये देख सकते हैं आप, इतना लैंडस्लाइड प्रोन एरिया ना ये। भाई क्यों रुके हो? ओके तो गाइस अभी वो देखो हम इसलिए रुके हैं क्योंकि देखो ट्रैक वगैरह फंस गए हैं। ये हमारे अभिषेक सर, यो ब्रो हाउ आर यू ब्रो, ये कुछ बोलते नहीं इसलिए इनका नाम जानवर है। तो गाइस हम टाइम हो रहा है 3 और हम पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी और यहीं अभी यहाँ से हर्सिल है कम से कम 85 टू 90 किलोमीटर। सो मैं दिखाता हूँ आपको उत्तरकाशी का नज़ारा, देखिए ये पूरा पानी रोक रखा है कि ये डैम बन रहा है यहाँ पे, और वहाँ जाके उधर जाके आपका NIM है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। और हर्सिल का जो रास्ता है वो यहाँ से है टनल से होते हुए, अभी हम कुछ खाएँगे। सो गाइज अभी हम होटल मयंक में है, बहुत भूख लग गई थी तो दिखाता हूँ मैं, हमने 3 थालियाँ मंगाई और अभी भी हर्सिल यहाँ से कितना किलोमीटर है भाई? 80 आंटी कितना किलोमीटर है ऐसे हर्सिल? अभी हर्सिल कितना दूर है कुछ पता है? हाँ गजब बेइज्जती है भैया। आपको हर्सिल पता है अभी कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 70-80 किलोमीटर। 70-80
गाइस देखिए, तीन थाली मंगाई, तीन थाली ना हमारी। ये है पहाड़ी रोटी मंडी, पहाड़ी भाइयों के हाथ से। तो गाइस हम निकल चुके हैं उत्तरकाशी से, और जिस बंदे को हमने मिलना है हरसिल में, उसने बताया कि ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और यहाँ पे भी मौसम थोड़ा गड़बड़ा सा गया है। ऊपर देख सकते हैं आप, काले बादल आ गए हैं। अब उत्तरकाशी से हम खाना पीना खा के निकल गए हैं। रास्ता चले गया रैथल विलेज दयारा बुग्याल के लिए, और ये रास्ता चले गया हरसिल के लिए। तो गाइस यही बताना चाह रहा हूँ मैं कि वो दयारा बुग्याल ही बहुत अच्छी जगह है, और यहाँ से हरसिल, डोडीताल, क्यारकोटी, आपका जीएनपी, गंगोत्री नेशनल पार्क, गौमुख, तो यहाँ से सब कुछ पड़ेगा आपका। पहुंच गए हैं हरसिल। ये सच अ लॉन्ग राइड, इट वाज सच अ लॉन्ग राइड, और ये हरसिल का पुल, और हम हरसिल एंटर कर चुके हैं। बहुत ठंडा है गाइस, बहुत ठंडा है, पर मज़ा आया बहुत। मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो गाइस, बहुत लॉन्ग जर्नी के बाद, मतलब कितने घंटे बाद, 8 घंटे बाद हम हरसिल पहुंच गए, और गाइस बहुत ठंडा है यहाँ पे। बीच में बहुत बारिश हुई, गंगनानी से पहले एक जगह आती है गंगनानी भटवाड़ी, उसके पास बहुत बारिश हुई। हमने प्लान बना लिया था कि एक सुक्की टॉप आता है, मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, और आपको तो पता ही, अगर कैमरा बाहर निकालूंगा वाटरप्रूफ नहीं है मेरा कैमरा, तो डर था मेरे को। GoPro में जितनी वीडियो बन सकी वो बन सकी, मैं दिखाऊंगा आपको। और गाइस हम पहुंच चुके हैं हरसिल, ये देखो चेहरे पे मुस्कान, ये हमारा बैग पैक सब कुछ आ चुका है, और बाहर का नज़ारा दिखाऊं आपको तो एक नंबर। ये देखिए हरसिल, सीनिक ब्यूटी है हरसिल, पैराडाइज। सुबह दिखाऊंगा आपको सब कुछ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, और टाइम हो रहा है 6:30, और कल रात हम पहुंचे थे हरसिल वैली, और मैं आपको सुबह का नज़ारा दिखाता हूं, चलिए मेरे साथ। ये देखिए, वाह वाह, कल रात मैंने आपको बोला था कि सुबह मैं नज़ारे दिखाऊंगा आपको, बस सूर्य देवता वहां आ चुके हैं, और उस जगह पे कोहरा भी लगा है तो मुझे वो पीक्स दिखाई नहीं दे रहे, पर ठीक है, जितना दिख रहा है उतना बहुत प्यारा दिख रहा है हरसिल। सो गाइज, हमारा एक फ्रेंड है, मतलब हमारा जो गाइड है शुभम पवार, वही भगोरी गांव से, तो उसने हमें 9:30 का टाइम दिया है, तो हम यहाँ से निकलेंगे। उसने कहा है कि 9:00 तक आप रेडी रहना, और मुझे भगोरी गांव में मिल रहा है सारा सामान, बैग पैक रेडी करके आप सब कुछ, तो हमें भगोरी गांव में मिलना, हमने उसे भगोरी गांव में मिलना है। और गाइस आ चुकी है गर्मा गर्म चाय, वाओ। तो हम यहाँ से फिर क्यारकोटी के लिए निकलेंगे 9:30, और गाइस वेदर भी अब थोड़ा बारिश जैसा हो गया है, थोड़ा ब्लू स्काई दिखाता हूँ मैं आपको, कभी धूप और तो कभी काले बादल इधर हैं, ब्लू स्काई, कभी साफ हो जा रहा है, तो ऐसा मतलब चलता रहता है पहाड़ों में। चाय एंड वादियाँ, वाह, पहाड़ों में गरम चाय का अलग ही मजा है, वाह ना। तो गाइस जो आप पैकेज दे देते ना, सामान ले रहा है ना, समझ दे, बोलते जो सामान हमें आएगा, ये क्या है, बेसन चावल, और ये सब इसका करा धरा है ये शुभम का, ये सब महंगे महंगे चीजें दिलवा रहा है यहाँ से। और गाइस ये ऐसा बंदा है कि ये सारी महंगी महंगी चीज़ें करवा रहे हैं, ऐसा हमें लूट रहा है अच्छे से ये बंदा,
जब कहीं दूर जाना है तो अच्छी चीज खानी चाहिए। बहुत ही खतरनाक बंदा है, देख लीजिए इसकी शक्ल आप, बहुत ही खतरनाक बंदा है। जब कहीं दूर ट्रैक पे जाना है तो खाना थोड़ा अच्छा खाना चाहिए। ट्रैकिंग करवाता है, ऐसा नहीं कि अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे यहाँ से क्यारकोटी के लिए और सामान ले लिया हमने और थोड़ा वेदर भी देख लीजिए, हल्का हल्का बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, स्टार्ट हो चुकी है। ये दूसरे भाई, आपका नाम? सूरज रोतेला। ये दूसरे भाई जो हमारे साथ जाएंगे। सुनो, हाँ जी, क्या क्या दिया पीडा आप दिखाओगे? तो हमने अच्छे से क्या ये नहीं चाहिए जेटर पटर नहीं चाहिए? किसे? तुम्हारे थोड़ी लिया, हमने अपने लिए लिया है। ये कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी। और क्या जरूरत तो पड़ेगी भाई, स्कूटर मोटर रखो इसको। हाँ ठीक है। कितने दिन का है? तेल भी जाते समय आपको तो दो दिन लगेंगे, आप लोगों को वो सामने कितने दिन चले जाते हैं? दो दिन लगेंगे हमको वहाँ जाने में। हाँ जी, दो दिन लगेंगे ना आपको? दो आप हमें दो दिन ठीक है। ब्रह्म कमल, अच्छा ठीक है आंटी, पक्का। हम फाइनली निकल चुके हैं क्यारकोटी के लिए। गाइज अभी सीन ऐसा हो गया है कि जो हमारा चौथा बंदा है श्रीफल लेने, वो अभी श्रीफल लेने गया है। और वो इसलिए गया है क्योंकि क्यारकुटी जब जाते हैं तो बीच में भैरव देवता जी का किसका मंदिर पड़ता है? लाल देवता का जो मंदिर है, लाल देवता का तो जो वो है वो अभी खड़ी चढ़ाई हमें पार करनी है पूरी, उसके बाद वो मंदिर पड़ेगा और हमको वो चढ़ाना है क्योंकि देखो यहाँ की आस्था है कि वहाँ सिरफल वगैरह चढ़ाना ही पड़ता है, वहाँ पे हमको चढ़ा। फिर सूरज भाई, गाइस अभी क्या हुआ, इनको मैंने बोला कि जो ये पत्ते हैं ना जरा इनको टच करो, अब ये तो पहाड़ी हैं, जो पहाड़ी नहीं है जिनको नहीं पता यहाँ के बारे में तो ये इसे बोलते हैं हम बिच्छू घास, और ये भी बोलते हैं हमारे गांव में बोलते हैं इसको कंडाली, लोकल भाषा, लोकल वो होती है यहाँ की घास ना, एक बार लग जाए तो इंसान खुजलाते रह जाता है पूरे रास्ते भर, तो बहुत ही खतरनाक वो होती है। तो भाई की भी लग गई और मेरी भी लग गई। तो इसका जो उपाय है ये है कि लोहे की चीज़ यहाँ मेरे को बताने में थोड़ा एक वो आ रही है, और जो अपनी नाक होती है ना, नाक रगड़ दो इसमें तो उससे भी ठीक हो जाता है ये। तो गाइस वो है हर्सिल, ये देखिए ये जो पार्ट है, यहाँ से आए हम भगोरी गांव से होते हुए और अभी हम इधर हैं, और ऊपर की देखिए पहाड़ ये ऊंचा दिख रहा है। काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद फाइनली थोड़ा सा पानी दिखा, प्यास लग गई थी, पानी तो था कैरी कर रहे थे, पर जो ये भी नेचुरल वाटर है बहुत ही, मतलब आपको तो पता ही होगा ये ग्लेशियर का पानी, ये बहुत ही मीठा कह सकते हैं इसको। काफ़ी चलने के बाद भूख लगी, मंच करने का मन किया और ऐसे बिस्किट्स वगैरह चॉकलेट्स टॉफ़ी चबाने, मतलब च्यूइंग के लिए, मतलब च्यू करने के लिए कुछ ना कुछ रखे रखना अपने पास इतना अगर ट्रैक कर रहे हो आप। बाकी तो जो हमारे गाइड साहब हैं ये बताएंगे आपको। हाँ जी, क्या क्या जरूरी है फिर इस चीज़ में? जरूरी खाने पीने का सामान तो जरूरी है, बस एक चीज़ हम भूल गए, बताओ क्या? क्या चीज़? पावर बैंक नहीं, अरे पावर बैंक नहीं, ग्लूकोज बहुत ज़रूरी है भाई गाइस, ग्लूकोज बहुत ज़रूरी है वो बहुत। हमने सोचा हर्सिल में मिल जाएगा, पर हर्सिल में मेडिकल शॉप ही बंद थी आज, पता नहीं क्यों, तो हमें ज़्यादा ध्यान में नहीं रहा, हमने सोचा हर्सिल से ले लेंगे, पर कोई नहीं, हम रियल वगैरह के डिब्बे ले रखे हैं हमने, अब उसी में गुजारा होगा। चलो गाइस फिर और चढ़ाई चढ़ते हैं, फिर और मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर में। और एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आप लोगों को,
ये जो रैपर्स है ना, अगर खाते हो तो ये उसी पॉलीथीन में, जिस पॉलीथीन से आपने ये निकाला है पॉली बैग से, ये उसी में डालने का, और ये सीधे नीचे डस्टबिन में, क्योंकि इससे क्या है, ये एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। अभी देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऐसा मतलब लगी नहीं रहेगी, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरी, यू नो ये ट्रैक साफ़ सुथरा एकदम। पर होते हैं कुछ लोग, जैसे कि देखो ये बिस्किट का रैपर ये फेंक दे, कोई आया होगा, ऐसे कई लोग होते हैं कि जो फेंक देते हैं। मैं भी था पहले, पर मैं भी मतलब आज से तीन साल, झूठ नहीं बोलूँगा, आज से दो ढाई साल नहीं, आज से तीन चार साल पहले मैं भी था ऐसे कि कुछ चीज़ खा देना फेंक देना, झूठ नहीं बोलूँगा। तर मेरे को ना पहाड़ से बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैक मतलब करने में बहुत मज़ा आता है, ये ट्रैक करने में। तो जब मैं देखता हूँ ना कि ये रैपर्स ये सब फेंके हुए हैं, तो अपना अपने दिल को ही मतलब दुख होता है कि ये कैसे हैं लोग, ये सो पहले हमें कहते होंगे, कहते थे लोग, मेरे को कहते थे कि भाई कैसा है तू, मेरे दोस्त लोग, इवन बस और सिद्धार्थ है ना जो मेरे दोस्त हैं, वही मेरे को कहते थे कि भाई कैसा है तू, एनवायरनमेंट को वो करता है। उन्होंने ही मतलब मेरे को ये सब कुछ सिखाया, वो मतलब गंदगी के ख़िलाफ़ हैं। अब मैं भी हो चुका हूँ, तो मैं यही कहूँगा गंदगी ना फैलाएं। बस लाल देवता का मंदिर आ गया, जो कि इनके देवता हैं, ये भगोरी गाँव वाले जो हैं, मतलब जो भोटे लोग हैं, इनके देवता हैं। क्या मानना है भाई जी, बताइए आप। इनका मानना है यहाँ मंदिर है उनका ना, हाँ, यहाँ जो भी आते हैं ऊपर नीचे, हाँ, उनका मानना है कि एक वहाँ जैसे कोई प्रसाद चढ़ाते हैं, हाँ, वगैरह, तो उनका मानना है कोई लकड़ी भी डाल दे, हाँ, तो उसका वही हो गया ना प्रसाद, मतलब लकड़ी के बराबर, लकड़ी के बराबर है। तो वहाँ जो भी जाता है तो वहाँ एक सिरफल फाड़ो, और लकड़ी ऐसे लकड़ी जो भी जाता है लकड़ी डालता ही डालता है। अब हम आपको आगे दिखाएंगे, वहाँ काफी मतलब जमाने से वहाँ लकड़ी डालते रहते हैं लोग। अच्छा, तो बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा लकड़ियाँ हो गई होगी ना। अभी हम पहुँचने वाले हैं जस्ट 40-50 मीटर। तो गाइस मैं दिखा देता हूँ आपको, जो वो पत्थर है बस उस पर जाना है हमको, बस। लाल देवता पहुँच चुके हैं, हमारा ट्रैक अभी अभी लाल देवता पहुँचा है, और ये मंदिर है यहाँ का। जो गाइस अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाया था, तो इन्होंने बोला था कि जो भगोरी के देवता हैं ये हैं उनके लाल देवता। मैं आपको आगे से दिखाता हूँ, तो यहाँ पे लकड़ी एक चढ़ानी होती है, तो ये है इनका मंदिर। अभी हम भी यहाँ लकड़ियाँ चढ़ाएंगे, मिलते हैं थोड़ा। लाल देवता से नीचे उतरते हुए डिसेंडिंग, डिसेंडिंग। अब ऐसा हो गया ना, बहुत चढ़ाई चढ़ ली, अब ढलान है, आते हुए वहाँ से आते हुए फिर चढ़ाई है, दोबारा चढ़नी होगी। वो जहाँ कुरा लगाना वहाँ क्या गोटे, पर हमारा आज का स्टे यहाँ है, ठीक है। और देखिए वाव, झरना देखिए। हमारा आज का ट्रैक जो स्टार्ट हुआ था वो हर्षिल से स्टार्ट हुआ था। हर्षिल से हम भगोरी गांव होते हुए बीच की सुंदर सुंदर वारियाँ देखते हुए लाल देवता मंदिर पहुंचे। लाल देवता मंदिर में थोड़ा दर्शन और थोड़ा आराम करने के बाद हमारा जो बेस कैंप था वो 2.5 किलोमीटर की दूरी पे था, जहां हमारा आज का स्टे था। तो बहुत ज़्यादा चलने के बाद जो आज की हमारी पहली जर्नी थी वो यहीं बेस कैंप तक की थी। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में, क्यारकुटी सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन गुड बाय एवरीवन।